नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो पंडित हाँ, कौन? जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार। दो मिनट लूंगा आपकी माफी चाहता हूँ। मुझे पता है आपका समय बहुत कीमती है। बताइए। मैं बी ए टेट अभ्यर्थी हूँ 2011 का। हालांकि अभी तो बात करने का समय नहीं है। आज एक हमारे साथ बड़ी अजीब स्थिति हो गई। आज आपसे हमें लग रहा है पहले बात हुई है कभी। हमारे से आवाज से कुछ लग रहा हो सकता है, कंफ्यूजन भी हो सकता है। मुझे शायद हुई भी हो, मुझे खैर कोई बात भी नहीं, बताइए क्या स्थिति हो गई। एक्चुअली क्या था कि मैं बताऊं आपको पांडे। ओ क्या नाम है, क्या नाम है आपका? पुनित जी। पुनित जी, आज एक रिजल्ट आया है आपका, विभाग का, आप देखे भी होंगे, आपका जो हक, अच्छा, जो एग्जाम हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग का आज रिजल्ट परिणाम घोषित किया गया हाँ है। हाँ हाँ उसमें अपन 2 नंबर से रह गए। ओहो। तो आज मुझे इतना बड़ा दुख है। भाई, एक दो नंबर से, जब एक दो नंबर क्या, कोई भी हम जब मेहनत करके एग्जाम देते हैं और चाहे जैसे भी जो भी थोड़ी बहुत चूक हो जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। हाँ समझ मतलब सकते हैं, बहुत हम भी बहुत सारे एग्जामों में जो है एक एक दो दो नंबर से हम भी जो है रह गए हैं, तो समझ में आता है कि कितनी तकलीफ होती है उस वक्त है, जब एक दो और नंबर। रिटर्न का क्राइटेरिया यही था सर। मैं आपको बताऊं कि रिटर्न में आप लोग पाए थे 90 में से 67 नंबर, अच्छा। और फिजिकल में पाए थे 60 में से 52 नंबर, और इंटरव्यू में, अब इंटरव्यू में तो मैं आपको क्या बताऊं, पता ही नहीं है कुछ। अच्छा 2 नंबर से मामला पीछे हट गया। बड़ी मतलब 100% उम्मीद थी, पर उसकी भी सबसे बड़ी वजह ये रही, आपको मैं बताऊं कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ये नहीं पता किस फंडामेंटल के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी उसके तहत लड़कियों की सीट आरक्षित रखी गई थी। 81 81 आरक्षित सीट रखी गई थी कि 81 लड़कों की सीट है, इतनी ओबीसी की है, इतनी एससी की है, इतनी जनरल की है, अपन लोग सामान्य भर्ती है, सामान्य श्रेणी से आते हैं। तो कुल मिलाकर के जब रिजल्ट अपन लोग देख रहे थे तो उसमें 230+ से लेकर के 290 तक लड़कियां ली गई हैं। 230 तो अच्छा श्योर है ही, अच्छा ये तो हाँ, ये तो बिल्कुल पुष्टि हो चुकी है इस चीज की कि इतनी तो लड़की है ही। और 230 से ऊपर भी जितने 10 हो, 5 हो, 15 हो, 20 हो, ये अभी सिलसिले में चल रहा है। अच्छा। इस वजह से जो लड़के हाई लेवल के थे, हम अब मैं अपन लोग को हाई लेवल पे मान रहा हूँ, क्योंकि 52 नंबर का फिजिकल बहुत एक्सीलेंट वाला फिजिकल था, तो हम लोग छट गए। हाँ अच्छा। सब लोग आज अभी इसी समय जो और लड़के हैं ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, वो सब लोग ऑलरेडी एट द प्रेजेंट मोमेंट सब लोग क्या नाम है, हाईकोर्ट में जो अच्छे वकील अशोक खरे जी, उनके पास सब मौजूद हैं, पूरी उनको स्थिति से अवगत कराए हैं। तो वो पूरा रिट देखे हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, वो बताए हैं कि सरासर गलत हुआ है। अभी उनकी वीडियो लाइव थे, वो बात कर रहे थे अपन लोग से। तो सब पहली बात तो हमको यही बहुत बड़ा दुख है कि अब तक के ये जो कहानी घटित हुई है, ये बड़ी स्थिति ऐसा मान ली है अपने लिए, है ना। बिल्कुल। और पिताजी ने मुझे 3 बार समझाया, बल्कि एक बार तो जब मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया तो उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा स्कोल्डिंग कर दी मेरे साथ। जायज भी थी, क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में था, थोड़ा सा परेशान था, ज्यादा परेशान था, है ना। अच्छा। और 1 नंबर से रहा था मैं आपका इसमें टीटी में टीटी में 2011 वाले में। तो 2011 में नहीं हुआ, फिर उसके बाद आपने किया या नहीं कभी? उसके बाद नहीं, उसके बाद नहीं किए। अच्छा, 2011 में हमारे 115 नंबर थे सामान्य श्रेणी से। 115। जी हाँ, अच्छा, मतलब टेट पास है, उसमें भर्ती में नहीं हो पाया। भर्ती में नहीं, अच्छा वही अच्छा तो कह रहा हूँ, आप क्या समझ रहे थे? नहीं, हम कंफ्यूज हो गए, हम समझे टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। अच्छा, टेट क्वालिफाई नहीं हो पाए। अच्छा, नहीं, 115 नंबर थे और 113 तक लखीमपुर खीरी में कट ऑफ दिया गई थी, नियुक्ति नहीं मिला था। अब पिताजी हमारे आपकी ऑडियो को सुनते हैं, हम भी सुनते हैं आपकी जो ऑडियो आई थी, हम सुबह 4 बजे सुन रहे थे। तो पिताजी बोले कि भाई ये पूरे आपके लिए क्या बोल रहा है, बताओ उसके बारे में यार। मैंने कहा ये सुन लो, फिर काफी दिन आपकी वीडियो वो एक आध दिन, एक आध दिन छोड़ के सुनते हैं। अच्छा। हाँ मोस्टली सुनते हैं जब भी समय होता है, तो क्योंकि वीडियो इतनी अधिक बड़ी हो जाती है तो आदमी थोड़ा सा सोचता है कि सुन, मतलब नहीं सुन पाता कि एक्चुअली हम। होता क्या है ना कि जब भी मेरी किसी से बात होती है, जनरली हम फोन इसलिए रिसीव नहीं करते हैं क्योंकि व्यस्त हैं, तो फिर जल्दबाजी में बात करना उचित नहीं। तो जब हम स्थिर होते हैं, बिल्कुल अभी कोई काम नहीं है, तो उस वक्त हम फोन रिसीव करते हैं,
और हम चाहते हैं कि सामने वाला जो कुछ जानना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है, जो भी चर्चा हो, ताकि सामने वाले को सर संतुष्टि हो जाए थोड़ी, सर वो मैं समझता तो हूँ, इसलिए इसी वजह लंबा से हो वीडियो जाता लंबी हो है। जाती है। और हम सोचते हैं उसे काट कर छोटा करें, तो फिर कहाँ से काटें, क्या रखें, क्या हटाएं, वो नहीं होता है। और काटने पर फिर बेमजा हो जाए, लोगों को लगेगा पता नहीं क्या बीच में बात हो गई, हम लोगों को हाँ, समझे को नहीं होगा। यदि आपने एक पॉइंट भी, एक लाइन भी वो डिस्कनेक्ट कर दी, तो वो पूरा मामला बिगाड़ देगी फिर। हाँ, तो लोगों को लगेगा कि भाई हम लोग को कुछ और सुनाते हैं, ये पर्सनल बातें कुछ और करते होंगे, वो काट देते हैं। तो क्या नाम है आपका? पंडित जी, आज बड़ा दुख है, बड़ी ये अति मतलब गंभीर दिक्कत हमारे साथ हो गई, बहुत बड़े देखिए, समस्या में थे। इस चीज को हम समझ रहे हैं, तकलीफ होती है जब हमारा रिजल्ट कहीं पर थोड़ा सा भी कुछ नंबरों से रह जाता है, इसको हमने भी कई बार फेस किया है। लेकिन अब इसको आप जो है नेगेटिव ना लीजिए, रिजल्ट है, खेल है, परिणाम है, जो भी है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि ये होता है, कोई जीतता है, कोई हारता है, बिल्कुल कोई अंदर बिल्कुल हुआ, कोई बाहर है, इसको एक्सेप्ट कीजिए। और अच्छा, इसको आप पॉजिटिव वे में देखिए, बिल्कुल इसको नेगेटिव मत देखिए। जो रिजल्ट था आपका, कोर्ट कचहरी का अगर कोई मुद्दा बन रहा है, तो उसको आप लोग जरूर कीजिए। हम तो कहते हैं कोर्ट कचहरी अगर मुद्दा जेन्युइन है तो जाना चाहिए लोगों को अपना मुद्दा लेकर के। 81 की जगह 230+ ली जा रही है, तो अब आप सोचोगे कि कितना जेन्युइन है उसमें। खोला हुआ है सब कुछ, सब कुछ, एवरीथिंग जो अपन, सब कुछ खोला हुआ है। ये भी खोला हुआ है कि सामान्य श्रेणी की 41 है, ओबीसी की 20 है, और एससी की इतनी है, 22, तो 43, 41 और 81 बैठे कुल मिलाकर के। तो अच्छा, कोई कार्ड कहीं अप एंड डाउन मैंने ज्यादा बोल दिया तो उस माइनस प्लस करके हो जाएगा। ये 81 टोटल वैकेंसीज है लड़कियों की। अब ये अच्छा अच्छा लड़की चलिए, अभी तो हमने वो रिजल्ट देखा नहीं है पूरा। हाँ, सुने थे कि रिजल्ट आ गया, चूंकि हम आज व्यस्त है तो देखे नहीं है। देखते हैं उसमें क्या है, क्या क्या आप जो बता रहे हैं उसमें, फिर उसके बाद फिर चर्चा हो जाएगी। लेकिन इसको आप इस तरह से देखिए कि अगर कोई लीगल पॉइंट बन रहा है तो कोर्ट कचहरी ठीक है कीजिए, लेकिन आप इसको पॉजिटिव लीजिए कि आप जो है बिल्कुल करीब करीब हैं। अच्छा, अगर आप आज बाहर हैं, उसका उसको इस तरह से मत देखिए कि क्या हुआ लीगल इलीगल, उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। आप ये देखिए कि अब अगली बार आपको अपना टारगेट इससे कहीं ऊपर रखना है, ताकि दो चार नंबरों का कोई फर्क कोई मायने न रखे, इतना ऊपर आप रहिए। जी और ये रिजल्ट आपका ये दिखा रहा है कि आप जो है जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनसे बहुत पीछे नहीं है, या वो बहुत आपसे आगे नहीं है, थोड़ा सा कहीं कमी रह गया है। इसको आप जो है नेक्स्ट टाइम सुधार करके आप गेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल खैर, वो तो आगे का है, जो भी भर्ती अब आएगी प्रयास कीजिएगा। जी बाकी बीए टेट 2011 का, उसमें आप एकदम पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव होने की कोई जरूरत नहीं है। जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनसे बस दूर रहिए। नहीं, मैं तो कि देखिए, अगर अगर हम किसी नेगेटिविटी को सुन रहे हैं तो हम उसका क्या कर लेंगे, और अगर हम आप पॉजिटिविटी आपको सुन रहे तो हम आपका क्या कर लेंगे। एक माइंड ऑफ माइंड मत करना, कोई ये बोल रहा है कि नहीं होगी, नहीं होगी तो मैंने उसको क्या बिगाड़ लिया, मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ, नहीं बिगाड़ सकता कुछ। आप कह रहे हैं कि होगी, मैं आप कह रहे हैं कि होगी भर्ती, तो मैं आपको क्या बिगाड़ सकता हूँ। मैं तो भरोसे तो कर सकता हूँ कि पुनीत पांडे जी ये बोल रहे हैं, या सो जी आपका पूरा नाम क्या है। मैं पांडे जी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो उसमें कोई बहुत बात नहीं, मतलब कोई बात पांडे नहीं। पांडे ही सी बात हो रही है, तो मैं वो पुनीत जी ये बोल रहे हैं। अब हम आपकी देखिए, बात से सुनिए सबकी बात, लेकिन नेगेटिविटी से हम दूर आने के लिए इसलिए कहते हैं कि देखिए, जब जैसे जैसे हमारे माइंड में, मानव के दिमाग में नेगेटिव चीजें आती है ना, तो वो अपने पॉजिटिव चीजों पर भी बिलीव करना, कॉन्फिडेंस उसका खत्म होता जाता है, कॉन्फिडेंस आपका खत्म गिर जाएगा। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आपन गिरे, लेकिन इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, दम खो देते हैं अपना कॉन्फिडेंस। इसलिए हम कहते हैं नेगेटिविटी से दूर है, नेगेटिव लोगों से दूर रहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई, अब एक चीज बताइए, सफलता का क्या परिभाषा है? अगर कोई व्यक्ति देश का जो है महान क्रिकेटर बन गया, क्या वो सफल है? कोई अगर महान वो फिल्म मेकर या फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को ले लें जैसे एक्टर हैं, या अगर ले लिया जाए मोदी जी को, वो नेता बन गए इतने बड़े, या किसको हम मान लें कि सब सफलता की परिभाषा सिर्फ वही है? क्या एक व्यक्ति जो दिन में 100, 200, 500 कमा करके खुशी खुशी अपने परिवार को खुश रखते हुए खाना पीना चला रहा है, सबका सब कुछ बढ़िया, खुश है पूरा परिवार, क्या नहीं, वो सफल नहीं है?
बिल्कुल बिल्कुल है, वही सफल है। तो सफलता का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। सफलता देखा जाए तो एक रिक्शा चलाने वाला भी सफल है, देखा जाए तो अंबानी भी सफल नहीं है भाई, बिल्कुल अंबानी से भी आगे बहुत सारे लोग हैं, है, क्यों नहीं है। तो कहा जाए भाई अंबानी तो सफल ही नहीं है, उनसे भी आगे लोग हैं। तो सफलता का अपना अपना परिभाषा होनी चाहिए। लोग क्या है, तुलना करने लगते हैं कि किसी रिजल्ट को लेकर, जैसे अभी आपसे चर्चा हो रही है, आप अपनी बात बता रहे हैं, तो सफलता ये जिनको सिलेक्शन मिल गया है वो नौकरी करेंगे, आपको सिलेक्शन नहीं मिला आप नहीं कर पाएंगे, सिलेक्शन नहीं हो पाया सिर्फ। सफलता का इस रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, पढ़ाई अच्छा के, तो ये कहीं आपसे छीन नहीं जाएगा, तो है। आपको नियुक्ति मिलेगी बीएड टेट में। ये नॉलेज, ये अनुभव, इसका लाभ जो है आपके जो स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, जी उनको बिल्कुल मिलेगा, भरपूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुनीत जी, अब जैसे कि आपकी वीडियो है, हम लोग कंटिन्यू कंटिन्यू आपके टच में हैं, आपकी वीडियो के माध्यम से डेली अपडाउन। अभी कल आप वीडियो डाले थे 42 मिनट की, वो भी मैं देखा था। अब जैसे कि गवर्नमेंट का गठन होने जा रहा है, नई गवर्नमेंट बनने जा रही है बीजेपी की, वो तो चोर थे, उनकी वजह से तो हमारे खाते ही आ रहे थे, वो नहीं भी आए। हाँ, जो है वो सो है ही, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हल्का सा गुमराह भी हो गए थे कि भाई वो लोग उद्घोष कर रहे थे हर रैली में कि ऐसा होगा, वो सब एक पोर्टफोलियो था वोट रैंकिंग का, ठीक सिर्फ वो है। चुनाव का ही मुद्दा था और हाँ कुछ हाँ नहीं। 5 साल अपने रहने के कार्यकाल में वो किए नहीं, और फिर दोबारा जब चुनाव आया तो मन से बोल रहे हैं। वो भी उन्होंने क्लियर कहीं नहीं कहा कि हम 7-12-12 विज्ञापन भर्ती करेंगे, नया विज्ञापन पर भर्ती करेंगे, या बीएड टेट 2011 को नियुक्ति देंगे, ये कहीं नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल नहीं कहा। तो पंडित जी, अब जैसे कि बीजेपी के गठन होने जा रहा है, सीएम अब वो भी लेंगे अपनी, योगी जी ही अब रहेंगे। हाँ योगी जी ही रहेंगे, मुझे भरोसा है। तो ये अब ऐसा कुछ, हालांकि बोला तो उन्होंने भी नहीं है ना, जो बात रही आपको ज्यादा जानकारी, हम तो केवल बातें कर सकते हैं। योगी जी ने अपने किसी भी रैली में या इनके द्वारा, किसी बड़े नेता के द्वारा, इनकी पार्टी के, बीजेपी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बोली गई है। और पोर्टफोलियो में मुझे पता नहीं कि इनके जो संकल्प पत्र पोर्टफोलियो होता है उसमें कुछ ऐसा वर्णन है कि ऐसा कुछ होगा। देखिए, स्पेशली बात करें बीएड 2011 की, जी तो इसको समझने के लिए हम जो चर्चा करते रहते हैं, समझाते रहते हैं, उसमें हम जो लेते हैं वो लेते हैं 2017 का जजमेंट, जी आरटी एक्ट, और सबसे जो ज्वलंत अभी है नई शिक्षा नीति, जिस पर कि जी आगे सब कुछ होना है। जी इन सारी चीजों को मिला करके सब पर हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो कोर्ट का जी जो आदेश है उसका मूल सार ये है, बाकी लोग समझाने वाले कहेंगे ये लिखा है वो लिखा है, मूल सार ये है कि जो भी अंदर है वो अंदर रहेगा, और जो बाहर रह गए हैं उनको आपको नियुक्ति देना है। उसमें कोई बाउंड नहीं किया गया है कि कितने लोग को देना है, 10 लोग को देना, 50 को देना, सबको कहा गया। सबको मीन्स सबको। जो टेट क्वालिफाई है। हाँ, उसमें मूल जो जजमेंट का कारण बना है सबको देने का, वो यही बना है कि हाईकोर्ट ने लिखा कि शिक्षा मित्रों के समायोजन के कारण योग्य अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन हुआ है। यानी हाईकोर्ट कहना चाह रही है कि जिसके अधिकार का हनन हुआ है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और हाईकोर्ट का जो आदेश है उसके एक एक शब्द की अगर व्याख्या की जाए तो एक वो एक एक शब्द ही उनका घंटों का है, क्योंकि ये लोग जब लिखते हैं एक एक शब्द इनका बड़ा भारी होता है। खैर, तो हम तो मूल पॉइंट पकड़ रहे हैं सिर्फ। तो कहीं भी शिक्षा मित्र वाले मैटर में ये नहीं लिखा है कि इनको निकाल बाहर कर देना है, या कहीं ये नहीं लिखा है कि सरकार इनके लिए कुछ करे ही। लेकिन जब जजमेंट पढ़ेंगे और सारी नीतियों को देखेंगे, शिक्षा मित्र के लिए भी बहुत कुछ है, अपने लिए भी बहुत कुछ है। हाँ, बस हमें समझने के लिए ये करना होगा कि हमें 2011 या 72,125 इन दोनों शब्दों को छोड़ देना होगा, इन गिनतियों को, इन आंकड़ों को छोड़ देना होगा। हमें नई शिक्षा नीति से जोड़ते हुए देखना होगा, और जो योजनाएं चल रही हैं वो तो नई शिक्षा नीति और आरटी एक्ट ये कहता है कि गुणवत्ता परक शिक्षा देना है, और कोई पद खाली नहीं रहेंगे, सभी भरे जाएंगे, अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यही बात कहती है, और ये सारी बातें सन 2009 में तय की गई थी कि अब ये अनिवार्य रूप से करना है।
पहले भी था, अनिवार्य रूप से नहीं था, लेकिन 2009 में से अनिवार्य बनाया गया। वही राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है। तो जब अनिवार्य है तो हर ये पद भरने ही भरने हैं। अच्छा, अब जब पद भरने जाएंगे तो हम लें किसको, तो लेने की बात आएगी तो बहुत सारे पुराने मैटर हैं जो कि कोर्ट कचहरी चल रहे हैं, पुरानी सरकारों ने उलझाया भी, पुरानी सरकारों ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। तो वो कैंडिडेट्स जो है कोर्ट गए हैं और कोर्ट से कुछ न कुछ ऑर्डर लेकर आए हैं, कई कई बार ऑर्डर लेकर आए हैं, तो उन ऑर्डर्स का भी पालन करना है। ऑर्डर का भी पालन हो जाए और जो नीति है वो भी हो जाए, तो दोनों का मिलता जुलता रूप यही है कि अलग अलग न करके गवर्नमेंट अपना जो भी खाली पद है भरेगी, आपको हमको अन्य को नौकरी जिस दिन मिल जाएगी, तो पिछला जितना ऑर्डर फॉर्डर है जो कुछ है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, पुराने मुद्दे अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो 2011 मुद्दा कहीं नहीं है, 2017 में ही जजमेंट हो गया, अब उस पर कुछ भी नहीं होना है, सिर्फ बेवकूफ बनाकर पैसा लूटने वाले बरगलाने सुनील वाले लोग रह गए हैं, नहीं तो उस भर्ती सुनील में, भाई, हाँ उस भर्ती में उस चीज में कुछ नहीं होना है। लिबर्टी दी गई है वो सरकार के ऊपर है, अब चाहे उस माध्यम से करे चाहे नई शिक्षा नीति के माध्यम से करे, उनको स्वतंत्रता है। तो कोई भी सरकार, हम बार बार कहते हैं, पुराने चीजों को हाथ नहीं लगाती है क्योंकि उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बिल्कुल तो जो भी होगा होगा, लेकिन नए तरीके से होगा, और वो नया तरीका यही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। अभी आप देखेंगे सरकार गठन जैसे हो जाएगा, केंद्र की योजनाएं हैं। अभी आपसे बात करने से पहले मेरी बात हुई है एक शिक्षा मित्र से, कल वो भी रिकॉर्डिंग आ जाएगा, आप वो भी सुनिएगा। वो पूरा विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, उनकी जो ट्रेनिंग चल रही है, जो कुछ हो रहा है। ज्यादातर शिक्षा मित्र तो नेगेटिव हैं, उनकी तो बात छोड़ दें, उनको कुछ नहीं दिख रहा है। जिनको दिख रहा है, शिक्षा मित्रों को, जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे और अब सामने देख रहे हैं वो चीजें, उस पर चर्चा हुई है। तो उत्तराखंड से आ चुका है न्यूज कि आचार संहिता खत्म होते ही वहां शिक्षा मित्र को परमानेंट करेंगे, और हम ये चीज बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं से घूम फिर करके न्यूज आ ही जाता है और होता भी है, सामने आ जाता है। तो एकदम निश्चिंत रहिए, जो भी कैंडिडेट टेट पास हैं, पुराने जो भी लोग हैं 2011 से 2018 तक वाले, तो आ ही रहे हैं, 100% मिल ही जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार रह गया है बस। 2011 से 18 वाले तक सब लोग आ रहे हैं जो टेट क्वालिफाई है। हाँ, काउंटिंग के हम आधार पर बात कर रहे हैं कि कितने कैंडिडेट अभी तक अचयनित हैं और कितना यूपी में अभी तत्काल भरने जा रहे हैं, ये जो लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट के आधार पर। अभी कल को कुछ नया लेकर आ जाए तो वो अलग बात है भाई, फिर नए चीज पर बातचीत होगी, लेकिन अब तक जो सामने आया अभी हम उस पर बात कर रहे हैं। तो फरीद जी, अब जैसे सरकार ये 2011 से 18 तक लेगी, करीब कितने कैट क्वालिफाई लड़के कई होंगे? बार हमने चर्चा किया है कि 2011 में 292,923 लोग पास हुए थे, जिसमें से बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी भर्ती में, बहुत सारे बीपीएड वाले थे, बहुत सारे कार्यरत शिक्षक थे, बहुत सारे दूसरे राज्य वाले थे। सबको फिल्टर करने के बाद जो बच गए हैं, एक अनुमान 50-60 हज़ार, 11 की बात कर रहे हैं सिर्फ? सिर्फ 11 की। इसके बाद 12 में यूपी में टेट हुआ ही नहीं है, 13 से लेकर के 17 तक को हम एक बंच बना लेते हैं इनका, क्योंकि 17 में एक भर्ती आई थी 68,500, और 13 से 17 तक वाले जितने बचे हुए थे, बीच में भर्तियां अखिलेश सरकार में 10,000-15,000 करके हुई हैं, जो बचे हुए थे वो सारे के सारे 68,500 में आवेदन किए थे, सारे किए थे, कोई छोड़ा नहीं। उस वक्त 13 से 17 वालों का टेट भी एक्सपायर नहीं हुआ था किसी का, तो वो सारे जो आवेदन किए थे 1,08,000 थे। जो नियुक्ति पाए उन सबको निकाल दें, कुछ 69,000 में आ गए उनको निकाल दें, तो 25,000-30,000 के लमसम यहाँ रह गए। तो यानी कि अगर हम 11 वालों को और 17 तक वालों को ले लें तो मोटा मोटा हिसाब 1 लाख का है। ठीक है, अब आते हैं 2018 में। तो 2018 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब करीब 4 लाख के आसपास टेट पास हुए हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग आप देखेंगे तो ऐसे हैं जो पहले से भी कई बार टेट पास किए हैं, कभी न कभी उनको भी फिल्टर करना पड़ेगा। कुछ लोग 69,000 में हो गए, कुछ टीजीटी में हो गए, कुछ किसी और में हो गए, तो फिल्टर करेंगे तो ये भी काफी नीचे आ जाएगा आंकड़ा। एग्जैक्ट आंकड़ा यहाँ हम नहीं बता पाएंगे कि वास्तव में कितना आ सकता है, लेकिन मान कर चलते हैं मोटा मोटा 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, तो 1-1.5 लाख, ये पीछे हम लोग मोटा मोटा 1 लाख माने थे। और जो लिस्ट जारी हुई थी
यूपी की दो सामने आए हैं आंकड़े, एक 4,80,000 का आया था, एक 2,70,000 का। तो 4,80,000 वाला टोटल आंकड़ा है वो, और 2,70,000 का है कि जो गवर्नमेंट जो है पूरे भारत में एक लिस्ट तैयार की है इतने पद भरने की योजना है प्रथम चरण में, उसमें 2,70,000 दिखाया गया है। तो 2,70,000 अगर ले रहे हैं, तो जब भी लेना शुरू करेंगे वर्षवार में, तो 2011 से शुरू करके वो 18 तक ले, 19 तक ले, कहाँ तक ले रहे हैं वो बाद में जब सामने आएगा तब पता चलेगा। 18 तक तो आ जा रहे हैं उसमें, वैसे तो योगी कुल जी मिला की के आप हैं सरकार 2011 वाले। अब वो 18 तक लें या 19 तक लें, आप तो हर हाल में अंदर हैं। सबसे पहले होना ही है। तो कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। योगी जी के संज्ञान में सब कुछ चल रहा है। आप एक चीज अच्छा बताइए, अपना जो मुद्दा था 2011 का, वो हाई कोर्ट में चल रहा था केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और डेट पर डेट चल रहा था, याद है आपको? अच्छा, और 2017 में मार्च में ये सरकार आती है योगी जी की, और 25 जुलाई 2017 को फटाक से जजमेंट हो जाता है शिक्षा मित्र मुद्दे का भी, अपने मुद्दे का। अचानक बात क्या ऐसा हो गया कि इतनी जल्दी फैसला हो गया, लगातार सुनवाई चलने लगी सुप्रीम कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं किसी का तो प्रभाव था, जिस पर डेट चल रहा था वो अचानक से लगातार सुनवाई करके फाइनल जजमेंट आ गया। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, किसको सपना आ रहा था कि चले बीएड को वैलिड करने, क्या जरूरत पड़ी थी? चल रहा था सिस्टम जैसे चल रहा था, चलता रहता, बीएड प्राइमरी वैलिड हो गया। फिर टीटी किसको चिंता थी, किसी को नहीं। अखिलेश जी लास्ट चाहते तो वो भी कुछ कर सकते, साल 2 साल ही बढ़ा देते, लेकिन नहीं बढ़ाए थे, 7 साल तक तो कर ही सकते थे ना, 7 साल का प्रावधान था, 5 साल पहले से था, 2 साल और बढ़ा दिए होते कहीं मौका देने के लिए, लेकिन नहीं किए। लेकिन इनकी सरकार आती है यूपी में, उसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं, और केंद्र सरकार ये भी लाइफ टाइम कर दी, 1-2 साल ना बढ़ा के सीधा लाइफ टाइम, कि आजीवन हो गया। तो अगर ये कोई कहता है कि इनके संज्ञान में है या नहीं, इस पर सवाल उठा रहा है, या कहे कि नहीं है इनके संज्ञान में, तो थोड़ा सा ये जो है बच्चों वाली बात हो गई। चलिए आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 5 साल बीजेपी ने नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या राजकारण रहा मैं नहीं जानता। फिलहाल इन्होंने 5 वर्ष तक नहीं किया, और ये आप भी जानते हैं कि रोजगार देने में बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं मेरे मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, रोजगार देने में बीजेपी सरकार विफल रही है। अच्छा, 1 मिनट, रोजगार की बात कर रहे हैं या सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ भी आप रोजगार को क्या मानते हैं? मैं रोजगार को सरकारी नौकरी से ही नहीं, लगाने आपको सही शब्द यूज करना पड़ेगा। आप या तो रोजगार पर बात कीजिए या तो सरकारी नौकरी, कोई एक तय कीजिए, क्योंकि नहीं, मेरा मतलब दोनों का कहने अर्थ का अलग तात्पर्य है। रोजगार का मतलब आज के रोजगार डेट में आप जो भी काम कर रहे हैं, महीने में जो भी इनकम कर रहे हैं, आप रोजगार में हैं। चलिए आपकी बात ठीक हो सकती है, यहाँ पर मैं सहमत हूँ आपसे। मेरा कहने का तात्पर्य यही था अब कि आते हैं सरकारी सरकारी नौकरी पर। ये अच्छा, हमने न जाने कितनी बार पेपर कटिंग और सारी भर्तियों का सब कुछ शेयर किया है। आप अखिलेश सरकार के 5 साल का, 10,000, 12,000, 15,000, 16,000, इस तरह करके भर्तियां आई हैं शिक्षा विभाग की। एक विभाग ले रहे हैं सिर्फ, अपना विभाग, दूसरे विभाग के बाद में चर्चा हो जाएगी। सारे को जोड़ लीजिए, टोटल आपका 60,000 के लमसम आएगा, ऊपर नीचे जो भी टोटल भर्ती शिक्षा विभाग में। गवर्नमेंट का हाँ, अच्छा, और आपने तुलना किया है 5 साल उनका, 5 साल इनका, तो हम इसीलिए इनका 5 साल उठाते हैं। 68,500 की एक भर्ती, 69,000 की एक भर्ती। अब बताइए कौन कम किया, कौन ज्यादा किया? सिर्फ ये, हम अभी वो भी अखिलेश सरकार में सारी भर्ती ले रहे हैं, प्राइमरी जूनियर सब मिला के, यहाँ सिर्फ हम प्राइमरी की ले रहे हैं, यहाँ हम टीजीटी पीजीटी और अन्य की बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आंकड़ों पर आप मेरी जब जाएंगे ना वास्तव में, देखिए आप नेगेटिव पोस्ट पढ़कर किसी की कोई चीज कह रहे हैं, नहीं, आप खुद सर्च कीजिए, खुद आप आंकड़े जुटाइए, तब उस पर विश्वास कीजिए। आपकी बात सही है। मैं शिक्षा एजुकेशन की अगर बात करूं, मैं पूर्व बोल था, आप इतने बोल चुके थे। एजुकेशन की अगर बात करें बीजेपी ने, तो एजुकेशन में और स्वास्थ्य सुरक्षा में पुलिस की भर्ती और पीएससी की भर्ती 49,000 कुछ, ये और ये कुल मिला के एजुकेशन में, इन दोनों विभागों में, तो पुलिस की इन दोनों ने वैकेंसी निकाली है एजुकेशन में और सर्विस में, पुलिस विभाग में, तो इन्होंने वैकेंसी काफी निकाली, जो शुरू में इन्होंने आदेश साथ पूरी कर दी, लेकिन उसके बाद सिर्फ वैकेंसी निकली है, पूरी नहीं हुई है। वैकेंसी जो पूरी नहीं, हम उन पर भी चर्चा ही नहीं किए हैं।
हम अब एक विभाग उठाए हैं, उसमें जो पूरी हुई हैं हम उन पर चर्चा से किए हैं, ठीक है। और जो पूरी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग की, सुरक्षा विभाग की, मेरे पास उनके भी आंकड़े हैं, जो पेंडिंग है उनके भी हैं, जो पूरे हो चुके हैं उनके भी, हम एक बार शेयर कर देंगे फिर से ग्रुप में, आप उनको भी देख लीजिएगा। ये हम अपने तरफ से बना के नहीं दे रहे हैं, पेपर अखबारों में या विभाग की तरफ से जो लेटर जा रहे हैं वो सब हैं, जो कि हम बराबर शेयर करते रहते हैं। चलिए, ये कोई कोई ऐसी ये तो तो बातें पहला तो चलती देखिए, रहेगा, मेन मुद्दा आता है निकल के। अब आपके जो अभी आप जो जिस पर चर्चा कर रहे थे उसमें से मूल बात पर आते हैं। हम जी लोग का मूल मुद्दा न सपा है, न बसपा है, न हाँ बीजेपी है, न कांग्रेस है, बिल्कुल, न आम आदमी पार्टी है। कुल हाँ कोई नहीं है। मिला हाँ करके मूल मुद्दे पर आते हैं, सरकार को पकड़ लेते हैं शब्द। अब सरकार में कुर्सी पर कोई बैठा हो हाँ तो सरकार का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को जीने, खाने, पहनने, ओढ़ने, घूमने फिरने की जो है इस तरह की सहूलियत उपलब्ध हो कि हर चीज अपना वो जो भी चाहता कर सके, यानी कि उसको रोजगार का अवसर के रूप में बोला जाता है, रोजगार के अवसर, ठीक है। हम एक छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, बिल्कुल आप पर डे यूट्यूब चलाते हैं, न जाने कितने लोगों के वीडियो देखते होंगे, चाहे मनोरंजन वाले या पढ़ाई लिखाई वाले। जी ये लोग आज यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, सब जानता है पैसा वो लोग बिल्कुल। कमाते हैं। कुछ लोग ये आपका भी बोल देते हैं, बोले कोई माइंड, दिक्कत नहीं हाँ भाई, माइंड मत करिएगा मेरा, अरे हम कुछ माइंड लोगों बिल्कुल की नहीं करते मानसिकता हैं, है जो ऐसा बोल देते हैं। नहीं, वो सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं, हम तो बराबर हर व्यक्ति से कहते हैं भाई आपके अंदर कुछ है, टैलेंट है, क्वालिटी जो भी है आप भी लेकर आइए, अगर कोई दिक्कत हो रही है हमसे पूछिए, हम कर रहे हैं, हम आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कहीं दिक्कत आ रही तो, आप भी कीजिए ना, हम जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल दुनिया कर रही है, बिल्कुल इसमें क्या है, आपसे तो हम मांग नहीं रहे हैं। बिल्कुल तो इसमें अगर हमें कहीं से मान लेते हैं मिल रहा है तो फिर तकलीफ किसी को क्यों, वो भी करे ना भाई, आप भी अपना कुछ जो भी समझ में आ रहा है कीजिए। खैर आते हैं मूल मुद्दे पर, तो एक टाइम ये था, याद कीजिए, रिचार्ज करते थे 2 GB पूरे महीने के लिए मिलता था, ठीक है। उस 2 GB में क्या संभव था कोई अपना यूट्यूब चैनल चला लेता भाई, पॉसिबिलिटी नहीं थी। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है पैसे वाला है वो यूट्यूब चैनल के लिए अपने यहाँ महंगा स्कीम लेकर के यूट्यूब चैनल बना लिया, डाल रहा है वो पैसा खर्च कर रहा है, वो बना के क्या करेगा, जिसको देखना उसके हाथ में तो महीने का 2 ही GB है ना, तो देखिएगा कौन। लेकिन एक क्रांति आई, जियो लेकर आया। अब जियो के आने से क्या हुआ, रोजगार के अवसर बढ़े कि नहीं बढ़े। हेलो, हाँ हेलो, बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़े रोजगार के अवसर। तो कहीं ना कहीं भले लोग जियो के टावर उखाड़ रहे थे या जो कर रहे थे, लेकिन अगर चर्चा की जाए तो जियो का नेट आया, पर डे लोग 1 GB 2 GB यूज कर रहे हैं, खूब यूट्यूब देख रहे हैं, तो उन्हीं का वीडियो देख रहे हैं जो लोग वीडियो बना रहे हैं, तो तभी तो उनको अर्निंग हो रही है उस वीडियो से, तो कहीं ना कहीं ये रोजगार के अवसर मिले या नहीं मिले। तो रोजगार का मतलब ये नहीं होता है कि सरकारी नौकरी, आज तक आप उदाहरण देख लीजिए, कोई देश उठा कर देख लीजिए, कहीं का देख लीजिए, आज भी कल भी था और आने वाले कल में भी 2-3% से ज्यादा सरकारी नौकरी होती नहीं है, तो 97% लोग भूखों मरेंगे फिर। तो 97% आबादी या तो कोई व्यवसाय करती है या कोई सर्विस देती है, कुछ ना कुछ और करती है, खेती बाड़ी या जो भी करके अपना जीविका चलाती है, तो 97% 97% की हम बात कर रहे हैं। तो अब ये जो 3% है, अब हर व्यक्ति चाहे उस 3%, जैसे हर साल ISPCS के दिल्ली में और न जाने कहाँ का लोग तैयारी करने वाले हैं, हजारों लाखों की संख्या में फॉर्म भरते हैं, पद कितने होते हैं, क्या हर व्यक्ति IAS बन जाएगा क्या, सबको पता है कि हम सब नहीं बनने वाले। एक कोचिंग में अगर 200 बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं तो उन 200 में सबको पता है कि हम 200 पूरे तो नहीं बनने वाले हैं, तो अब उसमें से अगर 10 बनने वाले हैं, बाकी 190 नहीं बनने वाले हैं, अब वो एकदम कह लेंगे हम तो बनेंगे IAS, नहीं तो हम तो जान दे देंगे, तो क्या ये सही है, अनुचित है। नहीं। तो बस कुल मिलाकर के जीवन मिली है जीने के लिए, और ज्ञान का, अनुभव का प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें करना, अपना घर परिवार चलाना, अपने आप को खुश रखना, अपने परिवार को खुश रखना है। नौकरी सरकारी मिल गई तो ठीक है, नहीं तो साला कौन सा सरकारी नौकर है जो कि दुनिया का सबसे अमीर हो, सब तो बिजनेसमैन है, तो हम सबसे अमीर बनने के लिए हम रेस में जाएंगे, उधर नौकर बनने के रेस में थोड़े जाएंगे, अब हम चलेंगे सबसे अमीर वाले में रेस में,
आज हम खेती बाड़ी कर रहे हैं, कल हम एक छोटा सा दुकान खोलेंगे, परसों हम बड़ा दुकान करेंगे, कोई एजेंसी ले लेंगे, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे। बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन अभी है ना टारगेट हमारा यही है कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, इस चीज को अपने आप को बांधिए नहीं। हाथी का बच्चा एक खूंटे में बांध दिया जाता है और उसको तोड़ने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन मजबूत खूंटा रहता है, नहीं तोड़ पाता है। अब उसको रोज उसी में बांधा जाता है, वो उसमें चुपचाप आके बैठ जाता है, नहीं तोड़ने का प्रयास करता है, क्योंकि उसने बहुत प्रयास करके देख लिया कि अब हमसे नहीं टूटेगा। धीरे 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 बड़ा हो जाता है और एक बड़ा विशालकाय हाथी बन जाता है, और जब भी महावत लाता है उसी में बांध देता है, और अब वो कभी प्रयास ही नहीं करता है तोड़ने का। उसने दिमाग में बैठा लिया है कि ये हमसे अब टूटेगा ही नहीं, जबकि अब वो खूटा कुछ भी नहीं है और वो विशालकाय हाथी बन चुका है, जो बड़े से बड़े न जाने क्या क्या चीज उखाड़ देगा, बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ देगा। तो हमें उस मानसिकता का नहीं बनना है कि मान के बढ़िया नहीं हमसे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, दुनिया कर रही है, हमसे भी होगा भाई। यूट्यूब से पैसा दुनिया कमा रही है, हम भी कमा लेंगे। दुनिया बिजनेस करके पैसा कमा रही है, हम भी कमा लेंगे। दुनिया प्राइवेट नौकरी करके, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा करके कमा रही है, हम भी कर लेंगे। क्या सरकारी नौकरी सब कुछ होता है क्या? नहीं, हाँ ये तो बात ठीक है, लेकिन वही है थोड़ा सा मानसिकता आदमी की बदली हुई है, थोड़ा सोचता है कि भाई जब है तो देखिए आपने ठीक प्रयास किया, अपना बेहतर प्रयास किया, आगे भी कीजिए, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। जिस एज में आप हैं, जी। तो अब जो है बहुत ज्यादा उस तरफ अपने आप को झुकने की जरूरत नहीं है। 2011 वाला हो रहा है, 100% हो रहा है। 2011 मीन्स नई शिक्षा नीति, 11 का स्पेशल कुछ नहीं हो रहा है, नई शिक्षा नीति वाला हो रहा है, 100% हो रहा है। उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पढ़ाई अपनी करते रहिए, इंटरव्यू डेमो जी स्पेस, और तो आपकी तैयारी है ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इधर कुछ करना भी नहीं है अलग से, तो आप फोकस कीजिए अपने घर परिवार, जो कुछ आप इस वक्त काम धंधा कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो पंडित जी एक बात और पूछ सकता हूँ मैं आपसे, डोंट माइंड। जैसा कि आप कह रहे हो कि 2000 अवश्य हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, तो मैं इसकी एक अनुमानित अवधि जान सकता हूँ? अनुमानित क्या अवधि अवधि? जी देखिए अवधि की जब बात आती है तो कंफर्मेशन तो नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी चीज जब गवर्नमेंट लेकर आती है, घोषणा करती है, तब वो सामने आता है। हम जी 2017 में, 2018 में कहते रहे टीटी लाइफ टाइम होगा, टीटी लाइफ टाइम होगा, न 17 में कोई माना, न 18 में कोई माना, न 19 में कोई मानने को तैयार हो रहा था, न 20 माने तैयार था, 21 में जब हो गया तो सबने मान लिया, हाँ ठीक है। और तब से ही हम कह रहे थे कि टीटी लाइफ टाइम होगी, और जो है ऐसा ऐसा होगा, वर्षवार नियुक्ति, जो भी चीजें हैं सारी चीज बताते आ रहा है। तो एक चीज आया ना सामने, और यही एक ही जी चीज नहीं, बीएड प्राइमरी में वैल्यूड होगा, ये भी हम बताते आ रहे थे, वो भी हुआ है। जी और भी बहुत सारे चीज मुद्दों पर हमने बहुत कुछ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% हमारी सारी चीजें सही होती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि विभाग से जानकारी मिलती है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि कुछ चीजें देखते हुए अपने अनुभव के आधार पर बताया जाता है, तो कुछ होता है कुछ नहीं होता है। तो जो नहीं होता उसको छोड़ दीजिए, उस पर चर्चा करने नेगेटिव पॉइंट में आ गया, और हम नेगेटिव पर बात नहीं करते हैं, कोई फायदा नहीं है, पॉजिटिव पर बात किया जाए और आगे की बातों पर। तो जो जो हुए हैं जी उन चीजों को देखिए, बीएड प्राइमरी में नहीं आ सकता था, मौका मिला आया, आया टीटी भी दे सकता है, प्राइमरी की भर्ती में शामिल भी हो सकता है, भविष्य में सभी भर्तियों में मौका मिलेगा, और आने वाले टाइम में सिर्फ बीएड ही रहेगा, अन्य सारे कोर्स बंद भी हो जाएंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो ये दूसरा भी पॉइंट टीटी था, जी टीटी भी लाइफ टाइम हो बिल्कुल गया, अब सिर्फ एक ही मुद्दा बिल्कुल बचा है ज्वाइनिंग का, वो नई शिक्षा नीति के अनुसार होना है, शिक्षा मित्र का पहले होना है, और लगातार हम बताते आ रहे हैं शिक्षा मित्र का जो है होगा। उत्तराखंड से न्यूज भी आ गई है चुनाव के दौरान ही, हमने शेयर भी किया था, आपने भी देखा होगा पढ़ा होगा, कि आचार संहिता समाप्त होते ही वहां पर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी जो भी टेट पास हैं। और हम बार बार कह रहे थे कि क्लास 1-2 प्राइमरी से उठाकर डाल दिया गया प्री प्राइमरी में, उसके लिए मुख्य कारण जो बना है वो शिक्षा मित्र, तो कोई मान नहीं रहा था, सब यही कह रहा था कि अखबार में जो है आंगनवाड़ी का आता है, एनटीटी का आता है, शिक्षा मित्र का कहाँ आता है आप कहते हैं। लेकिन अभी कल रिकॉर्डिंग भी हम डालेंगे, उस व्यक्ति की पूरी बात सुनिएगा, वो ट्रेनिंग दे चुका है, जी अखबार में भी अब न्यूज आ चुका है, प्री प्राइमरी के साथ शिक्षा मित्र का नाम आने लगा है, ट्रेनिंग भी जी दी जाने लगी है। तो पहले हम प्री प्राइमरी में शिक्षा मित्र का कह रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था, अब तो सामने है। तो कुल मिलाकर शिक्षा मित्र का होने जा रहा, हो रहा है, ये देखते रहिए, जैसे ही ये कंप्लीट होगा बीएड और ये टेट पास जो भी है, चाहे
चाहे वो बीटीसी वाला हो चाहे डीएलएड वाला, जो भी 11 से 18 के बीच में आ रहा है, वो सारे पहले चरण में नियुक्ति पा जाएंगे। तो ये 2022 में हो सकता है, क्या चीज? वो 2022 में हो सकता है। 22 में ही होगा, ओ बिल्कुल 22 में ही होगा। अच्छा एक चीज और देखिए, हमने कई बार चर्चा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के अनुसार नई नियुक्तियां, नई भर्ती ला करके नई नियुक्ति नहीं होगी। क्या कोई नई भर्ती आई अब तक? 2018 में आई फिर तो थी कोई नहीं उनहत्तर आई, हजार आज तक फिर कोई नई भर्ती आई प्राइमरी में? नहीं आई है। चुनाव आया तो भी नहीं आया। कारण क्या? पुराने मुद्दे ही पहले हल करने हैं, उसके बाद नई नियुक्ति, नई भर्ती से। और अगर इत्तेफाक से कल को नई भर्ती आ भी जाती है, जो कि चर्चा में बनी रहती है 17,000 51,000 वगैरह वगैरह, तो सिर्फ फॉर्म ही भरवाएगी गवर्नमेंट, नियुक्ति पहले जो हम बता रहे हैं यही होगा। अच्छा जी नहीं, आप ये भी तो बताए थे, माइंड मत करना कि इलेक्शन हटेगा। हाँ, अब इस पर आप अगर चर्चा करना चाह रहे हैं तो देखिए, हर चीज के पीछे हम तर्क कारण से बात करते हैं। हाँ ठीक, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हमने बताई थी, याद है? बिल्कुल याद है। अच्छा, तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो है वो बिल पास हो गया? अभी नहीं हुआ। तो अभी नहीं जब हुआ। जो चीज नहीं हुआ, तो फिर जब वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होगा, जब इसकी घोषणा होगी, तब ये चीज होगा। तो कारण जो बताया गया था, वन नेशन वन इलेक्शन, और ऐसा नहीं कि ये मुद्दा आया नहीं सामने, मोदी जी ने खुद चर्चा किया है, हमने जो है न्यूज का कटिंग शेयर किया है, आपने पढ़ा होगा। पढ़ा तो था, पढ़ा था। जो चीज हमने बताया, कुछ चीजें सामान्य चर्चा भी होती रहती है लोगों से, तो सामान्य चर्चा में कुछ चीजें हो भी सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती हैं, उस पर ध्यान मत दीजिए। वो चुनावी बातें थी, और चूंकि एक मुद्दा आया था वन नेशन वन इलेक्शन का, तो उस कारण से वो चीज हमने कहा था। तो और जब वो कारण ही नहीं रहा, वो हुआ ही नहीं, तो चलिए इलेक्शन का क्या है? इतने सारे हजारों लाखों लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी बनेंगे, सारे टीवी चैनल वाले कह रहे थे, उनसे भी सवाल कीजिए, भैया आप तो कह रहे थे बने तो नहीं, वो जीते नहीं। ठीक है, पॉलिटिकल राजनीति मुद्दा है, आप क्या कर सकते हो उसमें, तो बस कोई अलग। कुछ मुद्दों पर जो है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा, उसको छोड़ दीजिए। अब कुल मिलाकर के यह ही है कि यदि यदि नहीं, मैं तो ये बोलूंगा कि ऐसा हो ही जाए, 2022 में टीट टेट वालों को नौकरी मिल जाए कि बस। अरे बस, ये जैसे सरकार अभी जो भी मंत्री मंत्री जी लोग जो भी जिसको मंत्रालय जो मिलना है, ये सारा चीज हो जाए, शपथ ग्रहण वगैरह, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जो पहली कैबिनेट मीटिंग वगैरह होगी उसी में कुछ फैसले लिए जाएं और शिक्षा मित्र का शुरुआत हो जाए। ये चीज हमेशा याद रखें कि पहले शिक्षा मित्र ही होना है, अच्छा उसके बाद ही होना है। तो शिक्षा मित्र का जो है उम्मीद है कि पहले कैबिनेट में फाइनल हो कुछ, क्योंकि उत्तराखंड से न्यूज आ चुके हैं, अच्छा तो उत्तराखंड थोड़ा आगे आगे चल रहा है, किस कुछ मामलों में बिहार आगे रहता है, कुछ मामलों में हिमाचल, होगा सभी राज्यों में सब कुछ, लेकिन कहाँ क्या चल रहा है, हर राज्य में अलग अलग स्थिति परिस्थिति है, तो कहीं कुछ पहले हो रहा है, कहीं कुछ पहले हो रहा है। तो सब पर नजर रखेंगे हम, बराबर जो भी न्यूज हमें मिलती है हम शेयर करते ही रहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि 2022 तक भी यदि टेट वालों को नियुक्ति मिल जाती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी जीत होगी। अगर 22 में, पूरे 22 में दिसंबर तक में मिल जाती है। मिलने जा रही है ये, एकदम जो है नेगेटिविटी निकाल दीजिए और ये सब भूल जाइए। आज रिजल्ट आया, थोड़ा सा मानते हैं कि इसकी वजह से नेगेटिविटी हो गई होगी, लेकिन जैसे जो चल रहा था, कुछ भी विशेष बदलाव नहीं हुआ है, सब वैसे ही है। नहीं, नेगेटिव नहीं, आप इस बात को लेकर के बोल रहे हो, मैं जी बोल रहा हूँ 2022 तक के लिए। देखो ये तो हकीकत है पुनीत जी, नेगेटिविटी तो हुई है, सच्चाई है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ। मेरी बातों में आपको ये भी नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं हताश हूँ। हाँ हूँ, ये हकीकत है कि अंदर से हूँ, जो एक्चुअल है वो है, लेकिन फिर भी मैं आपसे बिल्कुल विद कॉन्फिडेंस लिया, जिस तरीके से बातें होती हैं वही कर रहा हूँ। हाँ ये जो मैंने लाइन बोली है कि भाई दिसंबर तक, ये 2022 तक, तो हालांकि मैं आपसे पूछता कि कितना टाइम लगेगा, तो शायद आप कहते कि 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। मैं देखिए, एक हमेशा हमने कहा है कि अनुमानित समय बताया जाता है, और वो जब होगा तभी कंफर्म होगा। अनुमानित समय सही भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा समय भी लग सकता है। कुल मिलाकर के जो चीजें होनी है वो होनी ही है, बस हाँ समय का कंफर्मेशन नहीं है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा मित्र का मेन मैटर है,
अभी आज की जो शिक्षा मित्र से मेरी बातचीत हुई है, अभी हमने इसके पहले भी कहा, फिर से कह रहे हैं, उसकी पूरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि क्या चल रहा है शिक्षा मित्रों में, वो पूरा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया है, और अच्छा जो ट्रेनिंग चल रही है उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन ऊपर से आए हैं, उन सब पर चर्चा हुई है। अभी चूंकि काफी लंबी बात हो गई यहाँ पर, और रात भी है, 11 बज रहे हैं, तो अभी बिल्कुल हम बिल्कुल डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, हाँ कल हाँ हाँ संभवतः वो रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो सुनिएगा आप पूरी बात, तो बस आपको बस बस काफी चीजें जो है, जो हम शेयर करते रहते हैं, बताते रहते हैं, वो उस रिकॉर्डिंग में हम नहीं कह रहे हैं, वो व्यक्ति स्वयं कह रहा है, शिक्षा मित्र वो व्यक्ति है, जी और जी उसकी जी फोटो भी हम शेयर कर देंगे जिससे मेरी बातचीत हुई है, वो स्वयं शिक्षा मित्र, ट्रेनिंग की फोटो भी उसने सेंड किया है हमें। जी जी तो जी जी चलिए, काफी रात हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बस मुझे एक भी बार भगवान ये प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि बस जल्दी से जल्दी टैट वालों का कल्याण हो जाए सबका। आप लोगों के संकल्प से, आप लोगों के प्रयास से, बड़े बूढ़ों के बिल्कुल आशीर्वाद से, परमपिता की कृपा से बिल्कुल सबका बिल्कुल कल्याण हो जाए। बस ये सबसे बिल्कुल बड़ी बड़ी मेहर होगी। अब यही आपका यही आपका जनपद जिला कौन सा है? बुलंदशहर थाना कोतवाली देहात सिकंदराबाद अच्छा, हाँ आपसे बात हुई है पहले, हुई होगी, मुझे थोड़ा सा आपको नहीं रिमेम्बर नहीं। याद है, ऐसा कह रहे हैं, आपकी बात हमारी अच्छी खासी हुई थी। आई थिंक आप शर्मा जी हैं, नाम नहीं याद आ रहा हमें पूरा। हाँ हूँ तो मैं शर्मा जी। बुलंदशहर से हैं शर्मा जी, हम आपको याद रखे हैं, इतने लोगों से मेरी बात होती है और आपको याद नहीं है कि आप बात किए हैं। खैर कोई बात नहीं। सर मैं बताऊं पुनीत जी, पिछले कुछ वक्त से मेरी बातें जो हो रही हैं, मेरी मतलब इसी जो मैं विभाग, आपका वाला विभाग है, इसमें ही लड़कों से हो रही है, इसलिए मैं आपको बार बार पांडे जी बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी बात पांडव से बहुत हो रही है, तो माइंड में वही आपने नोट भी किया होगा, मैं बाबा पुनित पांडे लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं, हाँ, तो वो इसी चलिए। वजह से लगा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोग हैं जो इधर के ईस्ट यूपी के हैं, वो पांडे ही ज्यादा हैं, तो अच्छा, दिमाग में पांडे ही चढ़ा चढ़ा पड़ा है मेरे, तो इस वजह से। बाकी चलो भगवान करे सबका अच्छा हो जाए, दिसंबर उसमें क्या, पूरे फरवरी में, उसमें पूरे 2022 में हो जाए, लेकिन हो जाए। हो जा रहा है, बस शिक्षा मित्र का यहाँ हुआ। अभी पहले जो शिक्षा मित्र नहीं मानते थे मेरी बात, लेकिन जैसे ये ट्रेनिंग शुरू हुआ, अब धीरे धीरे वो भी स्वीकार करने लगे, नहीं सारी हाँ चीजें हो रही हैं, तो बस जी, जैसे ही सारी चीजें शिक्षा मित्र की हो जाएंगी, उसके बाद आप लोग भी सामने सब कुछ जैसे ही आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, बस। आप अपनी वीडियो में जैसे कहीं वीडियो हो किसी से, तो वहां ये चैप्टर भी डाल दिया करो कि करीब करीब इतने टाइम के अंदर ये लोग हो जाएगा। उसमें क्या है कि लोगों को पॉजिटिविटी मिल जाती है कि हमें इस आदमी ने एक अवधि बता दी है कि करीब करीब इतना टाइम तक है, देखिए, इतने टाइम शिक्षा में। मित्र का जो है मैटर, वो संविदा खत्म करने का है अप्रैल में, तो उम्मीद है अप्रैल में शिक्षा मित्र का होगा, अप्रैल नहीं होता तो जुलाई में होगा। और जहाँ शिक्षा मित्र हुआ, उसके बाद अपने जितने भी टेट पास साथी हैं उनका होना है। तो चलिए, चलिए चर्चा होती रहती है, ये भी ठीक हम ठीक ठीक चर्चा करते रहते हैं। जी 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 ठीक है, फिर रखते हैं। ठीक। शुभ, आपसे मिलकर बड़ी, आपसे बातें करके काफी अच्छा लगा, धन्यवाद बहुत बहुत। पॉजिटिव रहिए, बस अप डाउन्स हमेशा होते रहते हैं लाइफ में। नहीं, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव ही है, वही एक अलग बात है, थोड़ा सा इस तरह से हो गया, बाकी सब ईश्वर अच्छा करेगा, बाबा महादेव है, सबका कल्याण करने वाले वही है। चलिए फिर ठीक है, पांडे जी प्रणाम करते हैं आपको, ठीक है, प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम।